बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण पार्ट फोर संज्ञा का रिवीजन करेंगे। आपका फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अनुसार संज्ञा पाठ है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप में या रूप से किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला है जातिवाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी दाना चुग रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लड़के साक्षरता अभियान की रैली में शामिल हैं। यहाँ पर पक्षी, बच्चे और लड़के का संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम अयोध्या के राजा थे। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी हैं। पंडित जी रामायण का पाठ करते हैं, तो यहाँ पर विशेष व्यक्ति राम है, सचिन तेंदुलकर है, विशेष स्थान अयोध्या है और विशेष वस्तु रामायण है। इस प्रकार विशेष नाम वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। शब्दों के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध पीने से हम बलवान बनते हैं। हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है। अक्षय मेहनती लड़का है, तो यहाँ पर बलवान, धार्मिक और मेहनती, जो ये सभी जो है भाव का बोध कराते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। समुदायवाचक या समूहवाचक। जिस शब्द संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है या उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्यामू के खेत में बकरियों का झुंड घुस आया, धोबी ने कपड़ों का गठर गधे पर लादा। यहाँ पर झुंड और गठर जो है समूह का बोध कराता है। आप लोग जैसे कि क्लासरूम को भी ले सकते हैं, चाबी का गुच्छा को भी ले सकते हैं, ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब तरल। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुजरात में हीरे के कई व्यापारी रहते हैं। आजकल डीजल से चलने वाली कारों की भरमार है। यहाँ पर हीरे, डीजल जो है ये सभी जो है द्रव्य वाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसमें हम लोग सोना, चांदी भी ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। तो जातिवाचक संज्ञा के द्वारा किसी वस्तु, विशेष सॉरी व्यक्ति या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है तथा लिंग अवचन के आधार पर इसमें
परिवर्तन हो जाता है। लिंग और वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। तो ये सब जाति वाचक संज्ञा है, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, किसान हल चलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है तथा ये सदैव एक वचन के रूप में ही होती है। जैसे सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आगरा का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। अब हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की रचना करना उसको सीखेंगे, जैसे कि किन किन शब्दों से इसकी रचना होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है, तो यहाँ पर देखिए चार प्रकार दी गई है, जाति से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। इसको आप हमेशा याद कीजिएगा आप लोग, जातिवाचक से, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से। तो आपके पाठ में बहुत सारे शब्द हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 29 का अभ्यास को देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कुल कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा यहाँ पर आपके प्रश्न संख्या 26 में ग्रीन कलर के बॉक्स में जो परिभाषा दी गई है इसको आप लोग लिखिएगा, और उसके बाद इसके कितने भेद हैं। ये संज्ञा के भेद हैं, यहाँ भेद है, ये 5 भेद को लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना किन किन शब्दों से होती है। प्रश्न संख्या 27 यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा दी गई है। शब्दों के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध पीने से हम बलवान बनते हैं, हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है। ये 2 ही उदाहरण लिखिएगा। अब है जातिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 27 में यहाँ पर इस बॉक्स में आप लोगों का दिया हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है, राम तथा श्याम दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं, सीता के गले का हार सोने का है, गंगा हिमालय से निकलती है, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, बच्चा बार बार मिठाई मांग रहा है। 3rd नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञाएं पहचान कर उनके भेद लिखिए। यहाँ पर वाक्य है, संज्ञा है, भेद है। क नंबर, सैनिक लड़ रहे हैं, तो ये सैनिक हो गया संज्ञा, उसके भेद हो गया यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। कुतुब मीनार की ऊंचाई बहुत अधिक है, कुतुब मीनार हो गया संज्ञा, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेले में बहुत भीड़ थी, मेले, ये हो गया आपका समुदाय वाचक संज्ञा। सोना महंगा होता है, सोना संज्ञा हो गया, ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। फूलों की सुगंध दूर दूर तक फैली है, फूल हो गया, फूलों हो गया यहाँ पर, और ये हो गया भाववाचक।
अब है निम्नलिखित संज्ञाओं से शब्दों को मिलाइए। जातिवाचक संज्ञा में पक्षी, बच्चे, लड़के। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, रामायण, अयोध्या। भाववाचक संज्ञा बलवान, धार्मिक, मेहनती। समुदायवाचक संज्ञा कक्षा, सेना। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, तेल, घी इत्यादि। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की रचना करना है। मैं इससे तीन बतलाऊंगी, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। बच्चा, बचपन, सज्जन, सजनता, नीच, निजता, योग्य, योग्यता, गरीब, गरीबी। इधर यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। और ये सही विकल्प, सही विकल्प में जातिवाचक होगा फर्स्ट, दूसरा होगा भाववाचक, सॉरी संज्ञा व्यक्तिवाचक है, नहीं यहाँ देखिए, भाव का बोध कौन सी संज्ञा कराती है? भाववाचक संज्ञा। कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए, इस वाक्य में समुदाय वाचक संज्ञा कौन सी है? कक्षा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मातृत्व। इसको बॉक्स को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम का बॉक्स है और थर्ड कॉलम का, यहाँ पर आपका सेकेंड और फोर्थ कॉलम का बॉक्स है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये सारा चीज जो भी मैं बतलाई हूँ, आप लोग अपने हिंदी व्याकरण कॉपी में बना लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग पाठ को पहले से ही पढ़ के रहेंगे। थर्ड नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञाएं पहचान कर उनके भेद लिखिए। यहाँ पर वाक्य है, संज्ञा है, भेद है। क नंबर, सैनिक लड़ रहे हैं, तो ये सैनिक हो गया संज्ञा, उसके भेद हो गया यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। कुतुब मीनार की ऊंचाई बहुत अधिक है, कुतुब मीनार हो गया संज्ञा, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेले में बहुत भीड़ थी, मेले, ये हो गया आपका समुदायवाचक संज्ञा। सोना महंगा होता है, सोना संज्ञा हो गया, ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। फूलों की सुगंध दूर दूर तक फैली है, फूल हो गया, फूलों हो गया यहाँ पर, और ये हो गया भाववाचक। अब है निम्नलिखित संज्ञाओं से शब्दों को मिलाइए। जातिवाचक संज्ञा में पक्षी, बच्चे, लड़के। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, रामायण, अयोध्या। भाववाचक संज्ञा बलवान, धार्मिक, मेहनती। समुदायवाचक संज्ञा कक्षा, सेना। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, तेल, घी इत्यादि। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की रचना करना है। मैं इससे तीन बतलाऊंगी, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। बच्चा, बचपन, सज्जन, सजनता, नीच, निजता, योग्य, योग्यता, गरीब, गरीबी। इधर यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। और ये सही विकल्प, सही विकल्प में जातिवाचक होगा फर्स्ट, दूसरा होगा भाववाचक, सॉरी संज्ञा व्यक्तिवाचक है, नहीं यहाँ देखिए, भाव का बोध कौन सी संज्ञा कराती है? भाववाचक संज्ञा। कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए, इस वाक्य में समुदाय वाचक संज्ञा कौन सी है? कक्षा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मातृत्व। इसको बॉक्स को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम का बॉक्स है और
थर्ड कॉलम का, यहाँ पर आपका सेकेंड और फोर्थ कॉलम का बॉक्स है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये सारा चीज जो भी मैं बतलाई हूँ आप लोग अपने हिंदी व्याकरण कॉपी में बना लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग पाठ को पहले से ही पढ़ के रहेंगे।